एवरीवन, स्वागत है एक न्यू वीडियो। सो आज हम लोग जा रहे हैं कहीं पे, मतलब बहुत दिन हो गया हम लोग घूमे नहीं, आप लोग और मैं खुद दोनों मिलके घूमे नहीं। तो आज हम लोग घूमने जाएंगे और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं एकदम फेस से तो पूरा रेडी हूँ। मैं थी दीदी के घर, कल गई थी, तो आज मतलब छत से प्लान बन गया कि हम लोग घूमने जा रहे हैं। तो मैं अभी घर पर आई हूँ क्योंकि मुझे ड्रेस चेंज करना है और प्लस जैकेट भी लेना है क्योंकि अभी तो ठंडी नहीं है लेकिन रात तक ठंडी लग जाएगी मुझे, तो इसलिए जैकेट भी लेना है। तो हम लोग अभी रेडी होते हैं, उसके बाद आप लोगों को बताऊंगी हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और मैं जस्ट घर पहुँची हूँ, बाकी तो मैं पूरा रेडी ही हूँ, रेडी होके ही आई हूँ और सिर्फ ड्रेस चेंज करती फिर आप लोगों के साथ चलती हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, तो मैं हो चुकी हूँ फुल ऑन रेडी। एक सेकेंड है, ब्राइटनेस बढ़ा लेती हूँ। तो मैं हो चुकी हूँ फुल रेडी और यह है मेरा ड्रेस। नीचे मैंने जीन्स पहना है, शूज़ पहना है और ये रहा जैकेट जो लेके हम लोग अभी चल पड़ेंगे। कहाँ पे कहाँ बता देती हूँ, हम लोग जा रहे हैं राख देखने। हमारे असम में राख होता है और नवंबर के टाइम पे होता है, टाइमिंग एकदम से मुझे नहीं पता, नवंबर में होता है। तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं और कहाँ पे जा रहे हैं, संगसरी जा रहे हैं जहाँ पे मेरी मौसी का घर है। तो हम लोग वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे राख होगा और क्या क्या होगा आप लोग दिखाती रहूँगी। चलिए हम लोग एक नया जर्नी ही शुरू करते हैं आज का, चलिए चलते हैं। From across the room, damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. सो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं और मौसी ना बहुत दिनों से बोल रही थी कि बात करती हूँ, आती नहीं हूँ, इसलिए आज ना एकदम से सरप्राइज दे दिया। तो हम लोग अभी देख ऐसे ही जा रहे हैं घूमने, अभी तो लाइट वाइट कुछ नहीं जला, ऐसे ही हम लोग जा रहे हैं। हमें अंकल का दुकान भी है वहाँ पे, आप लोग को दिखाती हूँ। और चलिए थोड़ा सा ऐसे राख देखती हूँ, फिर बाद में तो देखूँगी थोड़ा लाइट वाइट चलने से, फिर हम लोगों को घर भी जाना है, फिर बाद में बात करते हैं। यहाँ पे थोड़ा बात करने में परेशानी है, बहुत लोग है और शर्म भी आता है, तो चलिए चलते हैं। सो ये है मेरे अंकल का जो दुकान है, वो पूरा
और ये रहे मेरे मामा, ये रहे मेरे जीजू, जीजा जी, और ये मेरे मामा जी जो यहाँ पे हलवाई का काम कर रहे हैं, हलवाई। और यहाँ पे ये सब है आप लोगों को। और हाँ, हमें ना हमारे मामा के लिए एक लड़की का तलाश है। आप लोगों के पास अगर कोई अच्छी सी मतलब लड़की है, कैसी कैसी होना चाहिए आप लोगों को मामा से पूछ के बताऊंगी, लेकिन लड़की देखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे बन रहे हैं जलेबी, और यहाँ पे बन रहे हैं ये क्या पता नहीं, शक्कर पारा। और यहाँ पे भी, वहाँ पे भी बन रहा है, और यहाँ पे। और मामा जी का बहुत दुख है जिंदगी में, क्यों से मामा है, तो यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं दुकान पे अंकल का। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मतलब दुकान पे इतनी सारे कैसे मिठाइयाँ बनाया जाता है, वो सब कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे बन रहा है, मैंने ये सब पहले भी देखा है, लेकिन हर वक्त तो मैं यहाँ पे नहीं रहती, तो सब कुछ अच्छे से नहीं देखा। और हमारे घर पे जो बनता है वो बहुत ही कम अमाउंट में बनता है, तो वो ना आपको ये वाला फील नहीं दे सकता। तो आप लोग ये देख रहे हैं कैसे मतलब इसमें उबाल आ रहे हैं, ऑयल, ये पूरा तेल है। और अंकल को थोड़ा सा भी डर नहीं लग रहा है, मुझे दूर से ही डर लग रहा है कि मेरे मतलब मुझे डर लग रहा है, इतना ज़्यादा तेल गरम है। सो ये है, और आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कैसे ये सब असेंबल करके काटा जाता है सब कुछ। आगे देखते रहिए। वाओ, अमेजिंग ना, ये देखने में कितना सेटिस्फाइंग है, ये ऑयल में देखने में है कि नहीं। और यहाँ पे हम लोग बातें भी कर रहे थे, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग अपना बातें कर रहे थे। तो ये देखिए कितना अच्छा सा लग रहा है ना। अभी आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि ये सब काटा कैसे जाता है, और इसके बाद इसमें ना शुगर का एक परत आता है जो मैं नहीं दिखा सकूँगी, क्योंकि वो बाद में होगा। अभी इसको फ्राई किया जा रहा है, और ये है मेरे अंकल। अंकल बोल रहे हैं कि घर पे जाके मम्मी को दिखाना, दीदी को दिखाना, क्योंकि मम्मी दीदी नहीं गई थी ना, तो अंकल बोल रहे थे घर पे जाके दिखाना। और हम लोग ऐसे ही अपना बातें कर रहे थे। तो अभी आप लोगों को दिखाती हूँ ये सब काटा कैसे जाता है। सो यहाँ पे ये अंकल हैं, तो ये सब काट रहे हैं, देखिए इसको बेल के। और ये जो नाइफ है ना, ये बहुत ही शार्प है, देखिए काट रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं हो रहा है। हम लोग काटेंगे तो कैसा हो जाएगा, देखिए कितना सेटिस्फाइंग है ना ये काम देखने में। तो मैं बार बार देख रही थी। इसके बाद ये पूरा जो आप लोग साइड में देख रहे हैं ना, वो सारे उन्होंने किया, और मैं देख ही रही थी, मतलब कितना सेटिस्फाइंग है, देखिए तो इतना अच्छा लग रहा है। ओ माय गॉड, आप लोगों ने पहले ये देखा था क्या? नहीं देखा था तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि आज मैंने दिखाया आप लोगों को। तो ये सब बहुत सेटिस्फाइंग है। आगे भी आप लोगों को मैं इसी व्लॉग में बहुत कुछ बनाना हुआ दिखाऊँगी, कैसे बनते हैं सब कुछ, देखते रहिए व्लॉग। सो ये देखिए ये सब काट दिया, और उसके बाद थोड़ा सा ऐसे हिला देते हैं कि सब चिपक ना जाए। वैसे भी नीचे चिपकता, ये सब मैदा दिया जाता है ना, इसलिए ड्राई ड्राई सा रहता है। तो अंकल ये सब फ्राई कर रहे थे, उसके साथ मामा जी भी थे। सो अभी हम लोग जाते हैं घूमने। तो ये सब दुकानें लगी है वहाँ पे। हम लोग जब गए थे, मतलब जिस टाइम पे गए थे, उस टाइम पे राख में ज़्यादा मतलब लोग नहीं होते हैं, क्योंकि ये रात को देखने में ज़्यादा मज़े आते हैं, क्योंकि ये सब लाइटिंग का कमाल है। लेकिन हम लोगों को घर भी आना था, इसलिए हम लोगों ने चली गए थे हम लोग। तो ये है राधा कृष्ण, और राख बेसिकली राधा कृष्ण के ऊपर ही है, जो उनका मतलब जितना भी है, उनके समय में क्या क्या हुआ था, वृंदावन वगैरह उस पर क्या क्या था, ये सब। तो यहाँ पे राधा कृष्ण का मूर्तियाँ है, और अभी मैं आपको ये सब पढ़ के देती हूँ। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, नरसिंह अवतार, फिर वामन अवतार, परशुराम अवतार, बराह अवतार, श्रीराम अवतार, फिर बुद्ध अवतार,
कल्कि अवतार, ये सब मतलब कौन से टाइम पे, ए भगवान तो एक ही है लेकिन टाइम टू टाइम वो डिफरेंट वो ले रहे थे और फिर हम लोग को बचा रहे थे, ये सब ही है ना भगवान का। तो ये सब जितनी भी है सबका मूर्तियाँ ऐसे लगाया हुआ रहता है और लाइटिंग भी रहता है। फिर ये था बहुत सुंदर सा, और ये देखिए ये ऐसा मिस जापी, उसके बाद पेपा ढोल सब कुछ था। यहाँ पे है गणेश और विश्वदर्शन, मतलब गणेश का ही है कैसे वो मतलब पूरा पृथ्वी देख रहे थे वो। फिर यहाँ पे है जमलार्जुन, एग्जैक्ट सब क्या क्या है मुझे भी नहीं पता, पुतुना बट, पुतौना बट, फिर बकाहुर बट, फिर है आप लोगों को दिखाती हूँ और ये भी है, फिर और बहुत कुछ है दिखाते हैं, श्री कृष्ण राधा कृष्ण, फिर और बहुत कुछ है, अखाहुर बट, राधा कृष्ण श्री कृष्ण, राधा कृष्ण श्री कृष्ण ही है बहुत सारे। फिर वहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम हुए थे कल, मतलब सिंगर भी आई थी तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम हुए थे कल और बहुत दिनों से चल रहा है, आज लास्ट डे है। यहाँ पे है लबनोसुर, फिर यह है वृंदावन, वृंदावन मतलब कैसा था वहाँ पे, क्या क्या था, कैसा उसका माहौल था, ये बनाया हुआ है और यही सब है। इसके आगे बहुत सारे दुकानें थी। फिर ये एक है जहाँ पे हमारा एसएमएस थिंग है सब कुछ। हेलो गाइस, तो मैं यहाँ पे घूम रही हूँ और आप लोगों के लिए मेरे मतलब अभी शाम होने से पहले ही बहुत सारे क्लिप्स निकाल लिए हैं जो आप लोगों ने शायद अभी तक देख लिए होंगे। और मैं यहाँ सरफिरी की तरह अकेले घूम रही हूँ और बहुत सारी फ़ोटोज़ खींच रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे ये है, मैं आप लोगों को सब कुछ पढ़ के दे दूँगी। और फिर ये वाला बहुत ही मस्त सा बनाया हुआ है, दूर जाऊँगी तो दिखाई देगा, ये वाला बहुत ही मस्त है। देन एकदम देखिए राख तो यही होता है कि बहुत सारे भगवान का मूर्तियाँ होता है यहाँ पे और सब कुछ आप लोगों को देखने को मिलता है। और बहुत दूर 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 तक मतलब भगवान ही भगवान है। मैं तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, आज का संडे मेरा बहुत ही अच्छा गया, वैसे आज संडे है। और लुक एट दिस, ये तो बहुत ही मस्त है, लुक दूर से मस्त है ना। फोटो खींच लेती हूँ एक, उसके बाद बात करती हूँ। ली है फोटो और बात पता नहीं आप लोगों से कब मिलूंगी, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। राख देखने को इस बार मिलेगा कि नहीं मुझे नहीं पता था लेकिन मिल गया, बहुत ही अच्छी बात है। आप लोगों को और कुछ दिखाती हूँ, ओके। फिर यहाँ पे घोड़े के साथ रौत है और यहाँ पे हो गई है अंधेरा और लाइट्स धीरे धीरे चलना शुरू। और ये है मेन एंट्रेंस जहाँ से आपको राख में घुसना है, तो ये है और ये बहुत सुंदर सा बनाया गया है। तो इस बार का यहाँ पे राख ना बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ही सुंदर सा बनाया गया है। और ये है श्री हनुमान, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो ये है हनुमान, ये एकदम असली वाली मूर्ति है, ये हमेशा से ही यहाँ पे रहती है। फिर हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए जिजोर में निकल गए थे क्योंकि हमारे साथ और कोई नहीं था, क्योंकि सब लोग दुकान पे ही बेस्ट थे तो हम लोगों ने खुद ही एंजॉय किया। तो अभी हम लोग और थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए निकल चुके हैं, क्या मिलता है आप लोगों को दिखाती हूँ, लाइटिंग वगैरह दिखाती हूँ। और यह है चंद्रयान 2 जो
हम लोग का था वो यहाँ पे बनाया गया है, और इसके आगे भी एक है लेकिन वहाँ पे ना लाइटिंग लाइट ही नहीं जलाया, पता नहीं क्यों क्यों नहीं जलाया, इसलिए आप लोग को दिखा नहीं सकती एक्चुअली। लेकिन ये है, ये वाला बहुत सुंदर है ना, ये भी वृंदावन काइंड ऑफ ही है। तब हर हर जगह ये सभी होता है ना, तो ये, और ये हम लोग का हाथी, हाथी मेरा साथी, और ये हम लोग का जो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक का चलता है, तो ये चल रहा था जो गणेश और विश्व दर्शन, मैंने बोला था ना कि गणेश भगवान कैसे देख रहे थे पूरा विश्व, वो वाला ऐसे शिव पार्वती के साइड से घूम रहे थे ये गणेश का मूर्ति, ये है। और आगे भी दिखाती हूँ आप लोगों को क्या क्या मैंने देखा, सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आप लोगों को क्या करना है, डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, अभी तक यहाँ तक तो आ गए हो तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर तो कर दीजिए। और ये जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, ये देखिए अभी लाइट चलने के बाद कितना सुंदर लग रहा है ना, मस्त। ये सब क्लिप आप लोगों ने देखा है लेकिन लाइटिंग के बाद कैसा है ये भी तो आप लोगों को देखना ज़रूरी है, इसलिए मैंने फिर से आप लोगों को दिखाया। सुंदर सा है ना, सुंदर सा एकदम मस्त। और यहाँ पे भी लबनु सूर जो था ये भी मतलब इलेक्ट्रिक चल रहा था। और यहाँ पे एक बात बोलूँ मैं आप लोगों को, यहाँ पे ना सिर्फ एसएमईस लोग, हिंदू लोग ही नहीं कर रहे थे, मुस्लिम लोगों ने भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है। आप लोग जब पूरा वीडियो देखेंगे वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, उन लोगों ने भी ये मूर्तियाँ वगैरह दिया है। तो मतलब ये सिर्फ हिंदू हिंदू काइंड ऑफ थिंग नहीं है, ये सबका है। गाइस हम लोग घूम ही रहे हैं, मन भर ही नहीं रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, लोग नहीं है ये सबसे अच्छा है। अभी धीरे धीरे लोग आना स्टार्ट होंगे और मेरे चीजों मेरे सामने जाके दूर बैठ गए हैं इधर उधर चीजू, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ज़्यादा लोग होने से कोई भी चीज़ आप अच्छे से नहीं देख सकते, लेकिन हम लोग जल्दी आ गए थे तो बहुत ही अच्छे से हम लोगों को देखने को मिला। और अभी हम लोग थोड़ी देर में घर भी चले जाएंगे, चाय पानी पिया, बहुत सारी मिठाई खाई क्योंकि इधर का ही दुकान है, तो खा लिया बहुत कुछ। सो आप लोगों को बोला था ना, और बहुत कुछ कैसे बनता है आप लोगों को वो सब भी दिखाऊंगी। तो देखिए मैं लेके आई हूँ आप लोगों को कैसे जलेबी वगैरह बनता है। अभी ये जो जलेबी दिख रहे हैं ये सब मतलब फ्राई किया हुआ हो गया है, और अभी दूसरे साइड पे दे रहे हैं वहाँ पे मतलब वो शुगर है जहाँ पे ये दे रहे हैं, मतलब इसको कुछ और बोलते हैं, शुगर को जब मेल्ट करने से छाछनी, हाँ छाछनी में दे रहे हैं। और वो रहे मेरे मामा, सबको मीठी मीठी बातें कह कह के सामान मतलब सब बिक रहे हैं वो। तो यहाँ पे अभी कैसे बनता है वो भी दिखाती हूँ आप लोगों को, देखते रहिए। तो अब देखिए कैसे बनता है, ये देखिए एक रुमाल जैसा कुछ होता है वहाँ पे, ये मिक्सचर होता है, ये कुछ दिन पहले से ही शायद प्रिपेयर करके रखा जाता है, और फिर इससे जलेबी बनता है। इतना स्पीड से बनाते हैं आप लोगों को दिखाते हैं, एकदम हाथ में जादू है, जादू दिखाती हूँ। पहले वहाँ पे अंदर ट्रायल करके आ जाते हैं कि यहाँ पे कुछ गलत ना हो, देखिए एकदम कैसे कर रहे हैं। एकदम लाइन बाय लाइन पूरा ये फर देंगे, देखिए आप लोग, मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं, आप लोग देखने में ज़्यादा लुफ्त उठाइए। और मैंने तो बहुत सारा खा लिया है तो मैं क्या ही बोलूँ। देखिए मैं अभी छाछनी की बात कर रही थी और मेरे घर के पास ही छाछनी वाले गाना भी लगा दिया, मीठी मीठी छाछनी, देखिए पूरा भर दिया ना। और फिर इसको थोड़ी देर बाद क्या करेंगे, पलट देंगे, फिर वही है
फिर हम लोग आगे हैं बाकी का मार्केट एक बार देखने के लिए। ये मार्केट लगा हुआ है जहाँ पे बहुत सारे बच्चों की सामान वगैरह है, फिर लड़कियों का भी है। आगे देखते रहिए, ये सब तो बच्चों का ही है, छोटे छोटे बच्चों का गेम खेलने का, जिससे हमारा कोई काम नहीं है। फिर यहाँ पे ये सब गेम्स वगैरह भी आए हैं। और एक ना बड़े ही सेटिस्फाइंग चीज़ दिखाऊंगी, वीडियो में बने रहना पड़ेगा क्योंकि बने नहीं रहने से मैं कुछ नहीं कर सकूंगी आप लोगों के लिए। तो बने रहिए, ये सब देखिए, यहाँ पे गेम्स वगैरह है। थोड़ी देर में ही ये सब सब कुछ भर जाएगा। सबने बोला कि कल पूरी रात मतलब लाख लाख लोग हो गए थे, तो आज भी होंगे, लेकिन हम लोग नहीं देख पाएंगे इतनी देर तक, तो हम लोग तो आने ही वाले थे। तो ये देखिए, ये सब अभी हम लोग आ गए हैं लड़कियों वाली दुकान पे, जहाँ पे लड़कियों की सामान वगैरह मिलता है, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हम लोग ऐसे ही देखने गए थे। तो ये सब है यहाँ पे सब लड़कियों वाली, और ये सब एसमीस जितने भी गहने हैं वो वगैरह, और बच्चों की हेयर बैंड, ईयर रिंग्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। सो ये सब है, और बहुत सारी मच्छर है मेरे अभी पास में। तो ये सब है, आप लोग देखते रहिए कंटिन्यू। फिर ये है टॉयज़ के दुकान, क्यूट सा टॉयज़ मिलता है यहाँ। और फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे भी ये सब लड़कियों वाली सामान सब कुछ है लड़कियों वाली। तो आगे चलते हैं, अभी सेटिस्फाइंग चीज़ भी दिखाना है आप लोगों को। आप लोग सोच रहे होंगे क्या सेटिस्फाइंग है, स्किप नहीं करने का, थोड़ी देर बाद ही दिखाऊंगी, तो बने रहिए। तो ये सब है यहाँ पे, मतलब क्रॉकरी की दुकान और ये सब। तो ये तो पूरा ही ईयर रिंग्स वाला दुकान था, मिर्जी जो बोल रहे थे, ये देखो वो देखो, जिससे मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। 50 रुपीज़ का था ये सब कुछ, तो 50 में ही आपको कोई सा भी आप लोग 50 में ही मिलेगा, तो ये फिक्स प्राइस का दुकान होता है। मैं तो ये सब पहनती नहीं हूँ, कोई ओकेजन में भी ज़्यादा नहीं पहनती हूँ, जब साड़ी पहनती हूँ तभी पहनती हूँ, तो ये सब मैं लेती नहीं हूँ क्योंकि मुझे सोने का ही पहनना पसंद है। ये सब भी इयररिंग्स। और अभी आते हैं सेटिस्फाइंग पे, चलिए बोलूँगी नहीं, आप लोग देखिए और मज़े कीजिए। ना सेटिस्फाइंग, तो यहाँ पे ये राइनोसॉरस जो मैंने देखा ही नहीं था, जीजू ने दिखाया, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी लास्ट में दिखाई देती हूँ। इसके बाद हम लोग अभी घर चलेंगे। और यहाँ ऊपर में ये सब झंडे वगैरह लगाए हुए थे, और ये सामने वो अंकल का दुकान, और जीजू रेडी है, हम लोग अभी चलते हैं घर। और ये है, हम लोग घर आ रहे हैं, तो घर पर मिलते हैं। तो गाइस, तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर, और अभी 7:30 के समथिंग हो गया है टाइम, तो हम लोग एकदम अच्छे वक्त पे गए भी थे और आ भी गए हैं अभी घर। ये व्लॉग शायद थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, होप आप लोगों ने इंजॉय भी किया होगा, बहुत अच्छा लगा। मतलब अपनों के पास जाके तो अच्छा ही लगता है। मैं बहुत दिनों के बाद ऐसे किसी के घर पे गई थी, तभी मौसी लोगों के मौसी के साथ तो इतना बात नहीं हुई हो पाया, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा घूमने में ही व्यस्त थे। और फिर
अंकल का दुकान, मतलब मौसा जी जो है, हम उनको अंकल बुलाते हैं, तो अंकल का दुकान में भी जाके मुझे बहुत मज़ा आया। सब कुछ नया नया देखा और थोड़ा एक्सपीरियंस लिया, थोड़ा दुकानदार भी बनी। बहुत ही अमेजिंग था आज का दिन। सो होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं मिलूँगी आप लोगों को एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए और प्यार बांटिए। बाय बाय, सी यू सून।